माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मिश्रा पांडे इंग्लिश क्लासेस. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कम्प्लीट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द स्नेक ड्राइंग फ्रॉम योर बीहाइव बुक. एंड हियर वी विल डू टेक्स्चुअल एंड सम एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन वन. What is the snake trying to escape from? जो स्नेक था वो किससे भागने की कोशिश कर रहा था? तो द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक. परसुइंग का मतलब होता है चेजिंग. चेजिंग का मतलब पीछा करने वाली. जो स्टिक, जो लकड़ी, उसका पीछा कर रही थी, यानी कि कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होगा उस लकड़ी से, है ना, कोई ह्यूमन बींग में भी, तो उससे वो बचने का ट्राई कर रहा था. ह्यूमन बींग्स ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू किल द स्नेक. और ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्नेक्स को मारने की कोशिश करते हैं. दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द स्नेक इज पॉइजनस एंड हार्मफुल. और ये हमने मान ही रखा है कि स्नेक्स क्या होते हैं, हमेशा पॉइजनस होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, इज इट अ हार्मफुल स्नेक? वॉट इज इट्स कलर? तो ये स्नेक क्या हार्मफुल है और इसका कलर क्या है? तो इट इज नॉट हार्मफुल. ये हार्मफुल नहीं है और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर का स्नेक है ये. क्वेश्चन थ्री. द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटिफुल. फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी. तो इस हमारी अर्थ पे जितने भी, यूनिवर्स पे जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब ब्यूटिफुली मेड बाय गॉड. ओके, तो ये जो पोएट है यहाँ पे, पोएट ने उसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ की हैं, दे आर ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल. आपकी जो पोएम है उसमें लिखे हुए हैं ये वर्ड्स, ग्लाइड्स स्मॉल एंड ग्रीन, यानी कि वो कैसा है, वो ब्यूटिफुल है, ग्रेसफुल है, ग्लाइड्स. ग्लाइड्स का मतलब क्या होता है? मूव अलोंग स्मूदली. स्मूदली चलने वाला है, बहुत स्मूथ मूवमेंट्स है उसकी, छोटा सा है एंड ग्रीन कलर का है. देन क्वेश्चन फोर. What does the poet wish for the snake? Snake के लिए poet की क्या इच्छा है? The poet wishes that the snake should be allowed to go. Poet ये चाहते हैं कि snake यहाँ, snake को यहाँ से जाने दिया जाए. It should not be killed by the man. और people उसको ना मारें. Poet की ये इच्छा है. Next question. Where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? तो snake जब किसी ने नोटिस नहीं किया था, जब उसको उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, तब वो स्नेक कहाँ पे था और वो कहाँ पे डिसअपियर हो गया? सो द स्नेक वॉज ट्राइंग फ्रॉम इट्स सिक्योर एरिया. द स्नेक वॉज अवे फ्रॉम इट्स सिक्योर एरिया. स्नेक बहुत दूर था ऐसी जगह पे जहाँ के वो सिक्योर हो. इट वॉज बास्किंग इन द सन, यानी कि वो सन में धूप सेक रहा था, यानी कि सन के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो था. अलॉन्ग द सैंड, सैंड यानी मिट्टी में. फाइनली इट डिसअपियर्स इन द रीड्स. फाइनली वो लास्ट में कहाँ चला गया? रीड्स में. रीड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे वाटर प्लांट्स जो कि होलो होते हैं, हिंदी में उनको शायद सरकंडे बोला जाता है. और वाटर प्लांट्स में वो चला गया, क्योंकि वाटर प्लांट्स कैसे थे? ग्रीन कलर के. एंड द सेम स्नेक वॉज ऑल्सो ऑफ ग्रीन कलर, दैट्स वाई ही हिड हिमसेल्फ ओके इन द reads. Now some additional question answers. These are also very important for you. How does the snake protect itself? Snake ne apne aap ko kaise protect kiya? What kind of body does it have? So the snake has a natural instinct of survival. Snake mein ek natural si tendency hai. Kaise wo apne aap ko usko survive, zinda rakh sakta hai? He can smell. Kaise apne aap ko zinda rakh sakta hai wo? He can smell and see dangers. Wo smell kar sakta hai and dekh sakta hai dangers ko. Escape from them safely. Kyunki wo jab smell karega wahan se, dekhega ki koi bhaap jayega ki khatra hai, to he would try, would भागने की कोशिश करेगा वहाँ से, ताकि वो सेफली वहाँ से निकल जाए. द स्नेक मूव्स विद सडन कर्विंग्स. कर्विंग्स का मतलब होता है कर्व्स करते हुए, है ना, वक्राकार दृष्टि से, वक्राकार, है ना, कभी इधर मुड़ेगा, कभी उधर मुड़ेगा, है ना, ट्विस्टिंग यू कैन से, मोड़ते हुए अपने आप को वो मूव करता है. ग्लाइडिंग थ्रू द वॉटर टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द अटैक. कोई उस पर अटैक करे तो उससे बचने के लिए वो क्या करेगा? ग्लाइडिंग करते हुए, यानी कि स्मूदली मुड़ते हुए, अपनी बॉडी को मोड़ते हुए अपने आप को अटैक से बचा लेगा. ही हैज़ अ थिन लॉन्ग बॉडी. उसकी बॉडी कैसी होती है? थिन होती है, पतली एंड लॉन्ग होती है. तो वो कर्विंग करते हुए वहाँ से निकल जाता है अपने आप को बचाने के लिए. हाउ डज द पॉइंट डिस्क्राइब इट्स शेप? उसकी शेप को कैसे डिस्क्राइब किया है? इवन अ डेंजरस एंड वेनमस क्रीचर लाइक अ स्नेक हैज़ इट्स फैसिनेटिंग अपील एंड ब्यूटी.
एज आई टोल्ड यू प्रीवियस कि जो भी कोई क्रीचर यहाँ पे है वो बहुत ही सुंदरता लिए हुए है अपने आप में, चाहे वो डेंजरस हो, खतरनाक हो या पॉइजनस हो, तब भी स्नेक में एक फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव यू कैन से अपील एंड ब्यूटी है जो हमको अपील करती है, हमारे अंदर तक पहुँचती है वो ब्यूटी. द पॉइंट सेज दैट द स्नेक मेक्स ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल शेप्स. द स्नेक जो है वो बहुत ही ब्यूटिफुली जब वो मुड़ते हुए जाता है इधर से उधर तो बहुत सुंदर एंड ग्रेसफुल दिखता है. इट इज़ मेस्मराइज्ड टू सी द ज़िगज़ैग वॉक ऑफ द स्नेक. मेस्मराइज्ड यानी कि हम क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं उसके अंदर, है ना, उसकी ब्यूटी में. नेक्स्ट इज What does the point appeal? Point की अपील क्या है, रिक्वेस्ट क्या है point की. Every creature demands our sympathy and protection. हर एनिमल, हर क्रीचर चाहता है हमसे sympathy चाहता है ना, सहानुभूति चाहता है और protection चाहता है. जो snake है वो green color का है and harmless to children. आपने ये लाइन पढ़ी है, इवन हार्मलेस टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो स्नेक, बिना नुकसान पहुंचाने वाला है. द पॉइंट इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस मैन. और पॉइंट है जो बहुत काइंड है, जेनरस है, दयालु है. ही इज़ सिंपैथेटिक टू द स्नेक, और स्नेक के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण बिहेव करता है यहाँ पे. सो इट अपील्स, हमको क्या रिक्वेस्ट करता है, टू लेट इट गो, इसको जाने देना चाहिए सेफली टू इट्स प्लेस, जहाँ वो जाना चाहता है हमको उसे वहाँ जाने देना चाहिए. नेक्स्ट इज वेयर डज द स्नेक वैनिश, कहाँ पे गायब हो जाता है. द स्नेक डज पजेजेस द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल. ये आपको पता है, उसको उसमें ऐसी इंस्टिंक्ट है कि वो अपने आप को जिंदा रख सकता है. विथ सडन कर्विंग्स, हम उसको एक जगह पे मारेंगे तो वो मुड़ के क्या होगा, मुड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी अपने आप को जिंदा रखने की हर कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी थिन है, लॉन्ग है, ठीक है, तो उसकी बॉडी कर्विंग्स करके मोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेके जाएगा. ही कैन एस्केप फ्रॉम द स्टिक एम्ड एट हिम, जो निशाना लगा के उसके लिए जो स्टिक रखी हुई है ना, जो स्टिक जो उसका परस्यूइंग का मतलब चेज कर रही है, जो स्टिक उसका पीछा कर रही है, उससे अपने आप को वो बचा सकता है. कैसे, सडन कर्विंग्स, यानी अपने आप को तुरंत वो इधर मोड़ लेगा, तुरंत वो उधर मोड़ लेगा, है ना. द स्नेक वैनिशेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन थिन रीड्स. तो जो स्नेक है वो वैनिश हो जाता है, वैनिश का मतलब गायब हो जाता है, रिपल्स में, रिपल्स का मतलब है वेव्स, लहरों में, क्योंकि वो ग्रीन कलर का है और पानी में वाटर प्लांट्स हैं ग्रीन कलर के, उनमें जो पानी की छोटी छोटी लहरें हैं उनके अंदर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्नेक. इज द पोएट फैसिनेटेड बाय इट. तो इसकी नेचुरल ब्यूटी पूछ रखी है किसकी, स्नेक की. तो स्नेक कैसा है, स्मॉल है, ग्रीन कलर का है, उसकी बॉडी कर्विंग्स ऑफ इट्स लॉन्ग बॉडी हैव ओन अपील, बहुत मतलब एक तरह से अंदर तक हमको छू जाती है, बहुत ग्रेसफुल है स्नेक, बहुत ब्यूटिफुल है, इसकी मूवमेंट्स भी बहुत शानदार हैं. एक मेन थिंग ये क्या है, ये हार्मलेस है, ओके. एंड द स्नेक अट्रैक्ट्स द एडमिरेशन एंड सिंपथी ऑफ द पॉइट. और ब्यूटिफुल और ग्रेसफुल होने की वजह से और हार्मलेस होने की वजह से पॉइट जो है इसके लिए सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखता है. नेक्स्ट इज हाउ डज द स्नेक एस्केप एंड सर्वाइव द परस्यूइंग स्टिक. अपने आप को कैसे बचाता है वो. एक्चुअली एक स्टिक है जिससे जो कि स्नेक को मारने के लिए कोई लेके जा रहा होगा. द स्नेक नोज वेल कि इससे अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि स्नेक के पास क्या होती है, एक शार्प सेंस होती है स्मेलिंग की, कि उसके पास कोई डेंजर आ रहा है, उसके पास कोई खतरा मंडरा रहा है. तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ही ग्लाइड्स अवे थ्रू वाटर, यानी कि पानी में भी उसकी मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत स्मूद होती हैं, इसलिए वो क्या करता है, वो वहाँ से, स्ट्रोक का मतलब होता है जो भी प्रहार, जो भी हिट उस पर किया जाएगा, जो अटैक उस पर किया जाएगा, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो पानी में चला जाता है. और वो क्या है, वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का है. एंड स्लिम रिड्स यानी कि वाटर प्लांट्स, जो पतले पतले वाटर प्लांट्स हैं, होलो वाटर प्लांट्स, उनमें अपने आप को छुपा लेता है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट इज़ द स्टाइल ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग. तो द स्नेक ट्राइंग जो पोएम है इसका स्टाइल क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमास में बच्चा, फ्री वर्स विद अनइक्वल लाइन्स. पोएम में कोई भी एक तो फ्री वर्स है यानी कि कोई मीटर नहीं है. एंड विच इज विच इन इट्स मॉडर्न फॉर्म एरोज थ्रू द फ्रेंच, सॉरी, एक्चुअली ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है ना, इसका कोई भी मीटर या ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना मीटर के सिंपली पॉइंट ने बहुत म्यूजिकल पैटर्न, इट डजंट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न्स, इसमें कोई मीटर पैटर्न्स नहीं है,
राइम भी नहीं है और एनी म्यूजिकल पैटर्न भी नहीं है. एक्चुअली वो स्नेक पॉइंट को अपील कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए पॉइंट ने वो पोएम लिख दी है. दस इट टेंड्स टू फॉलो द राइम ऑफ नेचुरल स्पीच. तो हमारी जैसी नेचुरल स्पीच है प्रोज की तरह, मतलब वैसा इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. आप चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो फ्री वर्स से लेकर के लिबर फॉर्म तक, और यहाँ से फ्री वर्स विद अनइक्वल लाइंस आप याद कीजिएगा. एंड इट डज नॉट यूज कंसिस्टेंट मीटर. आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर है. ओके तो फिर आप ये वाली लाइन यहाँ से कर सकते हैं, इट डजंट यूज कंसिस्टेंट मीटर पैटर्न, और ये वाला ठीक है ना, कोई म्यूजिकल पैटर्न नहीं है, कोई राइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है. ओके बच्चा, सो थैंक्स. Now keep reading, like, share and subscribe my video. Bye-bye.